बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक। नाज़रीन, किसान साथियों, हमारी कोशिश रही है कि हम झूठ फ्रॉड मुनाफ़क़त को छोड़ दें, पर ये उस पाक साथ का करम है कि उसने ये आदतें छिड़वा दी। इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन आपसे भी ये वादा है कि आपको जो चीज़ देंगे वो सच पर हक पर मबनी होगी। जो आपके फ़ायदे की होगी वो बात आपको बताएंगे, जो आपको फ़ायदे की नहीं है वो नुकसान है। उसमें हमारा जितना मर्जी फ़ायदा हो, लेकिन हम वो ऐसा नहीं करेंगे। आज की भी वीडियो कुछ इस तरह की है। आज की वीडियो में हम जो इस वक्त पाकिस्तान में नए नए अंदाज और नए नए कारोबार चल रहे हैं, उसमें एक मशरूम खुम्बियाँ एक कारोबार है। आज की वीडियो को बड़े गौर से देखना, गौर से सुनना और मुकम्मल वीडियो देखना है, और फिर उसके बाद फैसला करना है हम गलत हैं या सही है। गलत हैं तो गलत कमेंट्स कीजिए हमारे बारे में, अगर ठीक है तो हमारी हौसला अफजाई कीजिए और हमारे रहनुमाई भी कीजिए। जी, मशरूम पिछली एक दहाई से पाकिस्तान में इस कारोबार को बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बन नहीं पा रहा। उसकी वजह यह है कि काम करने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है। लेकिन इससे पहले अगर ये बात कहूँ कि जो जो इंसान तरक्की करता जा रहा है, तो वो अपनी खुराक को पाने के लिए उसके मसाइल में भी इजाफा हो रहा है और उसके वसाइल में भी इजाफा हो रहा है। जिस तेज़ी से इजाफा आबादी में हो रहा है, उस खुराक के हवाले से इतने वो पैदा नहीं हो रही, लेकिन इंसान अपनी तरक्की पर, जैसे गोश्त की कमी के लिए मसनू फार्मिंग शुरू हुई, लेयर फार्मिंग है, इस तरह की और काफ़ी चीज़ें हैं। इस तरह खुराक के हवाले से भी वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पैदा की हुई हैं, लेकिन इंसान की अप्रोच में नहीं थी, वो तहकीक के बाद की गई कि ये चीज़ें इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें वो तमाम खुराक के अज़ा मौजूद हैं कि जो एक इंसानी बॉडी को ज़रूरत हैं। मशरूम भी उनमें ही एक चीज़ है, लेकिन उसकी बेइंतहा वैराइटीज़ हैं, और कुछ ऐसी वैराइटीज़ हैं कि जो खाने के काबिल नहीं है, वो जहर है, और कुछ ऐसी हैं जो मेडिसिनल हैं, और कुछ ऐसी हैं इस के जो सिर्फ खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती है और बड़ा टेस्ट होता है। उसमें ऑस्ट्रम एक वैरायटी का नाम है। पाकिस्तान में इसका कारोबार चल रहा है। बात हो रही थी कि ये पिछली एक दहाई से चला क्यों नहीं है, हुआ ये मामला है। तजर्बात होते रहे, गलत तरीके से उसको चलाया जाता रहा, और चलाने वालों की कुछ नीयत पर भी डिपेंड करता है, कुछ चलाने की हिकमत अमली पर भी डिपेंड करता रहा, और उसके नतीजे में ये काम इतना फ्लोरिश नहीं हो चुका। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, यहाँ पर सोशल मीडिया पर हर कोई अपने आप को साइंसदान बना के पेश करता, और उसकी एक साइंस होती है हर एक की, किसी के पैसे की कमाने की साइंस होती है, और किसी की किसी को धोखा देने की साइंस होती है। तो हर तरह के साइंसदान सोशल मीडिया पर मौजूद है। आज हम आपको जो कहना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर जो ये कोर्सेज करवा रहे हैं, वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, और बता रहे हैं जनाब हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, आओ हमारे पास, हमसे लो और हमसे वो फीस जमा कराओ, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ये सब कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा फ्रॉड है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये मशरूम जो पाकिस्तान में इस वक्त कुछ लोग अपनी मोनोपोली बनाकर इसको बेच रहे हैं, उसको कारोबार बना रहे हैं, उसको कर रहे हैं, अगर इसकी मैं तारीख सरहद पार भारत की तरफ जाके देखूं, तो वहां पर गवर्नमेंट ने अपने फार्मर को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको इस लाइन पर लाने के लिए 1 किलो बीज फराहम किया था। उसको मैं बीज ही कहूँगा, फंगस है, उसको बीज ही हम कहेंगे। और 1 किलो से तकरीबन 50 शापर तैयार हो जाते हैं, और एक शापर में 20 ग्राम बीज लगता है, और एक शापर से 1 से 1.5 किलो से मुराद यह है कम से कम 50 से 60 किलो पैदावार ली। अब उसकी कॉस्ट कितनी आती है आपके लिए, ये कितनी हैरानी की बात है। तूड़ी थोड़ी सी लगेगी बस, और कुछ नहीं, उसमें कोई केमिकल्स हैं, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। अगर आप ये तैयार करते हैं, और तैयार करने में आपके सिर्फ 1500 रुपये लगे खर्चाए, और उसे आप 10,000 रुपये कमा लें, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अब पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है,
और वो यार लोग जिनको जिनकी सोच ये है कि हमने बस पैसा कमाना है, कैसे कमाना है ये नहीं, हालांकि रिजक तो रब ने देना है, आप रिजक के पीछे ना दौड़ो, रिजक आपके पीछे दौड़ेगा। लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, लोगों के लिए बेहतरी पैदा करो, उनके लिए इल्म की मीनार बनाओ, इनके रोशनी के शहर बनाओ। अब हो क्या रहा है कि जिसकी कॉस्ट सिर्फ 100 रुपये आती है किलो में, वो अब वो एक 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 ग्रुप बन चुका है और वो उसको बेच रहा है 1000 रुपये किलो से लेकर 1500 रुपये किलो तक। और फिर यहाँ पर भी नहीं कर रहा, बल्कि वो कर ये रहा है कि जनाब आप आए हो तो हमसे 10 किलो का उसका लो। अब एक फार्मर है, वो छोटा सा है, जिसको अभी ट्रायल कर रहा है, अब वो कहेगा जी मैं 10,000 रुपये की 10 किलो लेके जाऊंगा या 1500 रुपये किलो के हिसाब से लूंगा, मजबूर होकर वो ले जाता है। कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा धोखा है कि मजबूर की उसको कानून की भाई मार्चने में और मौजूद नहीं है और उनको पता भी नहीं है। ऐसे में आपने घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी और इस बात का भी नहीं करना कि आपके पास कोई राय नहीं है। निदाई किसान टीवी आपको भी वो राय दे रहा है, हम आपके लिए वो सारी वो चीज़ें फराहम कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि जो बीज आपको 1500 रुपये किलो और 1000 रुपये किलो दे रहे हैं और फिर आपको मुख्तर वर्कशॉपों में बुला रहे हैं कि आओ हमारे पास वर्कशॉप में आओ और आके आप दो और आप हमको करेंगे, ऐसा गलत बात है। इसकी मार्केट मौजूद है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बड़े बड़े होटल में मौजूद हैं। आप पैदा करें, हम आपको बीज भी फराहम करेंगे और सस्ता देंगे, आपसे बैक बाइंग भी लेंगे। हमारे पास वो लोग मौजूद हैं, हमारे पास वो अफराद भी मौजूद हैं जो कर रहे हैं और जिनके पास क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। लेकिन इस तरह की आपको ब्लैक नहीं करेंगे कि नहीं आपने तो लेना है तो इतना लो, नहीं तो नहीं लोगे तो नहीं देंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। और वो सस्ता भी देंगे। और ये अगर आप, मैं आप उसका रफ सा एस्टीमेट बता देता हूँ, एक अगर आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10,000 की इन्वेस्टमेंट में आपने 500 शॉपर तैयार करने हैं और 500 शॉपर जब आपने तैयार कर लिए, ये एक फसल जो है 1.5 माह बाद तैयार हो जाती है, आप उसमें से 250 किलोग्राम की वजन आप मशरूम्स उसे लेंगे और 500 रुपये किलो ये बिकती है। 500 रुपये किलो अगर ये बिके और 250 किलोग्राम आपकी पैदावार हो जाए तो ये एक रकम बनती है, ये 1.25 लाख रुपया बनता है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में 10,000 रुपये से 1.5 महीने बाद 1.25 लाख रुपये कमाना कोई कारोबार है? कोई ऐसा कारोबार नहीं है। और ये कॉटेज इंडस्ट्री है, ये घरों में ख्वातीन तैयार कर सकती हैं, ये घरों में आप छोटे से पैमाने पर आपके कमरे में जगह है आप वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कोई लंबी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, इसके लिए कोई बड़ी जगह भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ गाइडलाइन चाहिए, आपके लिए रहनुमाई चाहिए। और रहनुमाई देने के लिए हम मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से हमारे पास वो पूरी टीम है, हमारे पास वो माहिरीन है, हमारे पास वो क्लाइंट्स भी मौजूद है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। बस सिर्फ इतना सा है कि हम वो दौलत को दोनों हाथों से समेटने की हिरिस नहीं लेकर बैठे हुए। ये भी इसमें हमारा कमाल कोई नहीं है, तरबियत जहाँ पर हुई है वहाँ पर अल्लाह ताला का खास करम है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से एक नेमत है कि उसने हमें ये एहसास दे रखा है, वरना ये हमारे अंदर से भी ये ख़त्म हो जाए तो हम एहसास ख़त्म हो जाए तो इंसान और हैवान में कोई फ़र्क नहीं रहता। बस फ़र्क इतना है, हैवान के जज्बात नहीं होते, इंसान के जज्बात होते हैं, वो बयान कर लेता है, वो बता लेता है। माशी हैवान और दूसरे हैवान में यही फ़र्क है, हम माशी हैवान बन चुके हैं, हम इस चीज़ से बिल्कुल नावलद हो चुके हैं कि यार क्यों गुरबत को कैसे ख़त्म करना है। आओ पाकिस्तानियों, आओ किसानों, मिले इकट्ठे हो जाओ एक नुक्ते पर, एक सोच पर, और आओ मिलकर चले इत्तमाईयत की तरफ, कामयाबी की तरफ, कामरानी की तरफ, खुशहाली की तरफ, ग़ुलामी से निजात के लिए। ज़हनी ग़ुलामी से निकलो और उन लोगों के से निकलो, आओ हमारा साथ दो। और हमारा साथ यही है कि झूठ ना बोलो, किसी से फ्रॉड ना करो, किसी को गलत चीज़ ना दो। और ख़ुसूसन हमारा ब्रांड है सिर्फ किसान, उसके साथ जुल्म होता है, उसके साथ फ्रॉड होता है। और वो लोग जो
जो पढ़े लिखे हैं और जिनको चार चीज़ों में पता लग जाता है, वो फिर उनकी कोशिश होती है कि हम एक कमरे में बैठकर, एक जगह बैठकर, हम यहीं पर बैठकर अपने नोट कमाएं। कमाना उनका हक है, लेकिन लूटना उनका हक नहीं है। किसी के साथ बेईमानी करना उनका हक नहीं है। मेरी बार बार गुफ्तगू में यही गुफ्तगू आती है, क्या करूँ, लोगों के हाथ के लगे हुए लोग जब आते हैं तो दुख होता है। अब इस मिश्रूम में ही, अब मैं जिन लोगों का मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन वो एक कार्टेल बन चुका है, वो चार पांच अफराद का ग्रुप है, उसमें सोशल मीडिया के लोगों को भी उन्होंने साथ शामिल कर लिया है। अब लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, वर्कशॉप करा रहे हैं इसके नाम से। ऐसा नहीं है, आओ, छोटी सी चीज़ है, आपको बताते हैं, आपको बताएंगे हम कि कारोबार होता कैसे है और कितना हुआ। कमाना आपने, देना रब ने है, खाना भी आपने है। आपको जब मिल जाए पहले तो हमारे लिए भी दुआ की दीजिएगा, क्योंकि हमें आपकी दवाओं की ज़रूरत है, हमें इस राह पर चलने की इस्तेकामत की ज़रूरत है। क्योंकि जिनके मुंह से जब नवाला छीनेगा, गालियां तो देंगे हमें और बहुत सारे दे भी रहे हैं, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह लजीज, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद हमसे रब्ता कीजिए, आपको हम ट्रेनिंग भी देंगे, आपको गाइडलाइन भी देंगे और आपको बीज भी फराहम करेंगे। लेकिन वो 700 रुपये किलो उससे लेकर 1500 रुपये किलो नहीं, बिल्कुल ना। और हो सकता है हम ये पैकिंग बनाएंगे, एक किलो की पैकिंग भी जो लेना चाहे वो ले सकता है, क्योंकि एक किलो की पैकिंग तो बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन तजर्बाती तौर पर तो इतनी लगनी चाहिए। आप यहाँ पर तजर्बात करवाए जा रहे हैं जनाब, आप 10 किलो लेके जाएं, आप फिर बहुत कुछ लोग बीच में पड़े उनको मनाया, और नहीं जी अच्छा चलो 5 किलो तो हमसे लेना जी, देखे ना जी अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप क्या करें यार, कितनी गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो खौफ़ खुदा रखें, रिज़्क रब ने देना है, नहीं करें, ऐसा नहीं करें। किसानों आप बेफिक्र हो, अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों पर इस तरह हम पर बारिशें करता रहे। आपको इंशाल्लाह जो चीज़ें देंगे, जो बातें करेंगे आपके साथ, वो बेहतरीन होगी। कि ये मशरूम को इतना बड़ा बड़ी साइंस नहीं है, इतनी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेबॉरेटरी भी हम दे रहे हैं आपको, अब लेबॉरेटरी भी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास आ गई है, जिन्होंने बना ली है, वो हमारे साथ रबते में है और आपको वो देंगे। आप बस हिम्मत कीजिए, रबता कीजिए, अपना नाम जो हमारे नीचे नंबर चल रहा है उस पर अपना SMS कीजिए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए और आगे बढ़िए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए और मज़बूत पाकिस्तान के लिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।